मुझे पता है कि शायद आज यह 12th क्लास के लिए फेयरवेल मनाया जा रहा हो, पर इस अवसर पर आज हम भी शामिल होने के लिए जितनी जगह से एस्पेशली थैंक यू एंड ऑल द टीचर्स। मेरे सारे सीनियर्स ने तो सारे टीचर्स की क्वालिटीज कुछ बता ही दी होगी, पर मैंने अपने से एक पोएम लिखा है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूं और जिसे मुझे उम्मीद है कि जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। मेरे पोएम का शीर्षक है यादें। राह देखी थी इस दिन की कब से, राह देखी थी इस दिन की कब से, आगे की सपने ना जाने सजा रखे थे कब से। बड़े उतावले थे यहां से जाने को, बड़े उतावले थे यहां से जाने को, जिंदगी का मार्गा पड़ाव माने को, पर ना जाने दिल में कुछ और आता है, वक्त को रोकने का ना जाने क्यों जी चाहता है। कहां करते थे बड़ी मुश्किल से ये 10th क्लास बीत गया, पर आज क्यों लगता है कि कुछ पीछे सा रह गया। ना भूलने वाली कुछ यादें, ना भूलने वाली कुछ यादें रह गई, यादें जो जीने का सहारा बन गई। कौन रात भर साथ जगकर पड़ेगा, कौन दूसरे की गाड़ी पर बिना पूछे चढ़ेगा, कौन मुझे आगे दिन सर के जैसा नेता कहकर बुलाएगा, और कौन पीडी सर के जैसा कहानियां और लास्ट वार्निंग सुनाएगा, कौन जीपी या सर के पॉलिटिक्स का मजा उठाएगा, और कौन आरएनएस सर के डांट को सच पाएगा, कौन सिला सिंह मैम के डांट में भी छुपे प्यार को पहचान पाएगा, और कौन आर प्रसाद मैम की तरह उंगली पकड़कर स्कूल कैंपस में दौड़ना सिखाएगा, कौन पांडे सर के लेक्चर्स के बाद सो जाएगा, और कौन चौधरी सर के डांट को अनदेखा कर हंस पाएगा, कौन पाली की सर की स्पीड बोलने वाली आदत को भुला पाएगा, और कौन 20 साल सर के उड़िया बोलने की आदत को छुड़ा पाएगा, कौन सैलेंडर सर की उंगली से स्टैंडअप बोलने वाली आदत को भुला पाएगा, और कौन थके हारे एमके सिंह सर को क्लास बड़ी मीन में जगाएगा। वो स्कूल की यादें